नए या फिर पुराने दिए, ये तो सभी के घर पे मिल जाते हैं, लेकिन क्या आपने इन दियों को इस्तेमाल करके घर का एक ऐसा काम किया है जिससे आप ढेरों पैसे बचा सकते हैं और साथ में गंदगी से भी बच सकते हैं? ये कैसे होगा, तो चलिए आइए जानते हैं। ये एक बहुत ख़ास टिप है जो मुझे दिए से इस्तेमाल करके एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के क्लीनर ने बताई थी, और ये भी बताया था कि इन दियों को इस्तेमाल करके मैं एक ऐसी चीज़ साफ़ कर दूंगा जिन पे हमारी कभी कभी नज़र ही नहीं जाती, या फिर इतने गंदे हो जाते हैं जिससे हम बहुत परेशान रहते हैं और हमारे गंदगी भी जा सकती है। तो ये पुराने दिए तो दोस्तों सभी के घर पर आपको बच्चे में मिल ही जाते हैं। साथ ही में हमें लोहे के तवों का भी इस्तेमाल करना होगा इस टिप के लिए। ये लोहे के तवे तो हमेशा सभी के घर पे मिल जाते हैं। तो चलिए टिप को शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप देश के कौन से कोने से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो आज हमने क्या करा है, एक पुराना दिया ले लिया है, बस पुराना दिया, और थोड़ा सा हमने एक क्लीनर का इस्तेमाल करना है। ये जो दिया है और ये जो क्लीनर है दोनों मिल के इतना अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, जो आपका पुराना तला हुआ गंदा तवा हो चुका है, ये तवा एकदम बढ़िया हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा और इसकी एकदम नई सी परत हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। ये जो क्लीनर है आपको अच्छे से फैला देना है तवे पे। ये जो क्लीनर होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ एक केमिकल होते हैं जो क्लीनिंग में काम आते हैं। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसी जगह इस्तेमाल होते हैं जहाँ हम इस्तेमाल करें या ना करें। बेसिकली एक केमिकल है जिसमें क्लीनिंग की क्षमता है। बस हमने एक मिट्टी का दिया ले लिया है। जो मिट्टी के दिए हैं इनमें एक ऐसी क्षमता होती है जिससे रगड़ता है जब भी तवा, तो इसमें एक ऐसा नयापन आ जाता है दोस्तों, आप देख के खुश हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम एंड में एक चीज़ और भी करेंगे जो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा, जिससे जो तवा है उसकी लाइफ और भी बढ़िया होती है और वो और भी अच्छे से साफ़ होता है, चमकता है। वो मैं क्या करूँगा बताता हूँ। सबसे पहले इस दिए को रगड़ लीजिए। इस दिए को लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से रगड़िए, ताकि जो कालक है ये पूरी की पूरी उतर जाए और नीचे साफ़ सुथरा नया दिया दिखने लगे। अब ये होगा कैसे, अभी आपकी आंखों के सामने आप देखेंगे कैसे ये जो दिया है वो इस तवे को एकदम नया जैसा कर देगा, और आप देखते ही देखते सोचने लगेंगे कि यार ये बात आपको पहले क्यों नहीं पता थी, क्योंकि इतना अच्छे से साफ़ हो जाएगा ये तवा। हम जान बूझ के इसको पूरा नहीं, 3/4 साफ़ करेंगे, ताकि आपको अलग से काले काले धब्बे दिखते रहें और पता चले कि जो हम इस तरफ घुमा रहे हैं उससे कितना असर आया है। सबसे पहले अब हम आपको इसको घुमाने के बाद किसी भी टिश्यू से या हटा के दिखाते हैं, या हाथ से देखिए बीच से कितना अच्छे से साफ़ होना शुरू हो गया है। जिसकी काली परत थी वो बहुत अच्छे से उतरने लगी है। तो मैं बीच में अभी इसको ऐसे अच्छे से रगड़ लेता हूँ, और थोड़ा सा रगड़ने के बाद बीच से टिशू मार के दिखाता हूँ कि कितना अच्छे से ये साफ़ हो रहा है। बस आप इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट अच्छे से रगड़ते रहें। हम इसी साइड रगड़ रहे हैं, दूसरी साइड ज़्यादा नहीं रगड़ रहे हैं, ताकि डिफरेंस पता चल सके। ये देखिए गंदगी कितनी निकली है, और ये आपके सामने है दोस्तों कि जो तवा है कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था। इसको रगड़ लीजिए, 1-2 मिनट और रगड़ना मुझे लगता है काफ़ी होगा, ताकि मैं आपको तवे में जो जो फ़र्क आया है वो दिखा सकूं। अब मैं क्या करूंगा, एक साधारण पानी से इस तवे को धो लेता हूं, ताकि मैं आपको फ़र्क दिखा सकूं। पूरा जानबूझ के साफ़ नहीं करा है, नहीं तो पता नहीं चल पाता कि फ़र्क है क्या दोनों में। तो चलिए भैया आ जाते हैं फटाफट से इस तरफ, और एक बर्तन ले लूँगा मैं परात, जिसमें अब मैं इस तवे को धोऊँगा। गंदगी आपके सामने है, और मैं आपको दिखाऊँगा पानी भी कितना गंदा हुआ है। भाई ये तो ना चमक चमक के मिट्टी इसमें बाहर आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। ये जो तवे हैं ना दोस्तों लोहे के, 1, 2, 3, 4 बार इन पे पराठे बनते हैं ना, बस इन पे कालक लगनी शुरू हो जाती है। तो आगे इसको धोने के बाद भी हम एक चीज़ करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम एक ख़ास चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो सभी के घर पर बहुत सस्ते दामों में मिलती है, और उससे तवा जो है उसमें चिकनाहट भी थोड़ी आती है। बताएँगे आगे क्या करना है, पहले आप ये देखिए तवा कितना अच्छे से क्लीन हुआ है। भाई वाह, तवे में फ़र्क देख सकते हैं आप। पूरा साफ़ नहीं करा था आगे वाली साइड से, इधर ज़्यादा रगड़ा है, तो आपके सामने है कि तवे की कैसे काली परत जो है वो उतर गई है, एकदम उखाड़ फेंकी है। तो चलिए दोस्तों पानी देखिए, नीचे जो पानी रखा है कितना ज़्यादा गंदा हुआ है। तो दोस्तों तवे के ऊपर अब हमने बताया था जैसे खास चीज़ और लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तवे के ऊपर हमने एक आलू ले लेना है काट के थोड़ा सा, और नारियल का तेल सभी के घर में होता है। नारियल का तेल ना हो तो कोई कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे आलू के ऊपर डालें। आलू में स्टार्च होता है दोस्तों,
और वो जब तेल के साथ मिलके ऐसी एक लेयर लगाते हैं तो क्या होता है, ये केमिकल यूज़ करने के बाद इस पर जंग नहीं लगता, ये अच्छा रहता है, शाइनी रहता है, बढ़िया से रोटियाँ इस पर चिपकती नहीं है और कालक बहुत जल्दी वापस नहीं आती। तो इसकी हमने कोटिंग भी अच्छे से कर दी, रात भर इसको ऐसे लगे रहने दीजिए और सुबह अच्छे से वॉश करा लीजिए, बस आपके तवे बहुत बढ़िया हो जाएंगे, नए जैसे हो जाएंगे इस्तेमाल करने के लिए, और इन पर कुछ भी गंदगी लगी होगी जमी हुई वो हट जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आप दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपसे थैंक्स कर सकूं। मैं चलता हूँ, शेयर करके ज़रूर जाइएगा दोस्तों, धन्यवाद।